5000 का मोबाइल भेजने की बोलकर धनलक्ष्मी यंत्र भेजा, ठगी कर लिए 5000 रुपए। बयाना कस्बे में गत 21 फरवरी को ठगों ने पीड़ित के मोबाइल पर कॉल कर 23000 रुपए का वीवो कंपनी का मोबाइल स्पेशल ऑफर के दौरान सिर्फ 5000 रुपए में देना बताया। जानकारी के अनुसार टेलीफोन के माध्यम से ठगी करने का नया तरीका निकाल लिया है। वे अब डाक विभाग के माध्यम से ठगी कर रहे हैं। इसका शिकार बयाना कस्बे में बमनपुरा निवासी राजकुमार कुशवा हुए हैं। पीड़ित को बताया गया कि मोबाइल कंपनी से बोल रहे हैं, अगर वे चाहें तो मोबाइल बुक कर सकते हैं, बाजार भाव से आधे कीमत पर घर पहुंचा दिया जाएगा। राशि भी तत्काल नहीं देना है, जब उन्हें माल मिल जाए तो भुगतान करें। इसके लिए कंपनी डाक विभाग के माध्यम से पार्सल भेज देगी। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर पार्सल ले लें। राजकुमार ने एक मोबाइल के विषय में जानकारी मांगी तो बताया गया कि बाजार भाव लगभग 15000 है, कंपनी मात्र 5000 रुपए में उपलब्ध करा देगी। इसके बाद राजकुमार ने मोबाइल बुक कर दिया। उन्हें मंगलवार को पार्सल आने की सूचना मिली। वे बुधवार को बयाना पोस्ट ऑफिस पहुंचे, वहां 5000 रुपए देकर पार्सल छुड़ा लिया। घर आए और पार्सल खोला तो होश उड़ गए। पार्सल के अंदर मोबाइल नहीं था, बल्कि धनलक्ष्मी यंत्र पड़ा हुआ था। उन्होंने पोस्ट ऑफिस संपर्क किया तो बताया गया कि डाक विभाग ने बंद पार्सल सौंप दिया, आगे वे कुछ नहीं कर सकते। पीड़ित ने बयाना थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। तो क्या मामला है? मेरा नाम राम कुमार है, बवनपुरा मोहल्ला का निवासी हूँ। किस तारीख को मेरे फोन पे फोन आया, सर आपको वीवो कंपनी तरफ से फोन दिया जा रहा है 30000 रुपये का, उसके लिए आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। वो स्पीड डाकघर से आएगा, स्पीड पोस्ट तरफ से वो आ गया पार्सल 27 को। मैंने पार्सल ले लिया, उसे खोल के देखा, उसमें मूर्ति ब्लिश स्टिकर टाइप की। अब इस प्रकार उन्होंने मुझसे ठगी की है। इस घटना को लेकर आपने पुलिस में कोई रिपोर्ट दी है क्या? नहीं, रिपोर्ट नहीं दी। आया हूं। रिपोर्ट अभी इस घटना को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूं।